अल्लाह अपनी कुदरत अपने बंदों को दिखाता रहता है और अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। आज की इस वीडियो में मैं भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसको देखकर दुनिया की मायानाज शख्सियत हैरान रह गईं और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गईं। दोस्तों, ये वाकया 1351 हिजरी में इराक में पेश आया जहाँ पर दो सहाबा इकराम की कब्रों को खोदा गया तो अंदर क्या मंजर था जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई और उसकी खुदाई का हुक्म शाह इराक ने एक ख्वाब देखा था जिसके जरिए हुआ था। तफसीलात में जाने से कबल आपको ये बताएं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि साथ साथ आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपको मिलती रहें। दोस्तों, इराक का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी जानिब तेजी से बढ़ रहा है। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में पानी आ चुका है जबकि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र भी नम होने वाली है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने लेकिन उसकी जानिब कोई तवज्जा ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए लेकिन उसने अब भी तवज्जा ना दी। तीसरी रात वो ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूरी सईद को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला कि ये ख्वाब तो मैं भी दो बार देख चुका हूँ। अब उन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आजम से कहा कि पहले आप कब्रों को खोदने का फतवा दें, तब मैं उस ख्वाब के मुतल्लिक अमल करूँगा। मुफ्ती आजम से उस वक्त कब्रों को खोदने और लाशों को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी करा दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ये ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों को खोदा जाएगा। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो इस्लामी दुनिया में बिजली की तरह फैल गई। मजे की बात यह है कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लिबनान, फलस्तीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रूस और इंडिया के मुसलमानों से इराक शाह इराक के नाम बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं के तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। चुनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ये ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो गए थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोदा गया। हजरत हुज़ैफ़ा अल यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में कुछ पानी आ चुका था जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरियाए दजला दो फरलांग दूर था, तमाम ममालिक के सफीर, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हजरत हुज़ैफ़ा अल यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को क्रेन के जरिए जमीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी लाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रक्चर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रक्चर को अलग करके शाह फैसल मुफ्ती आजम वजीर जमहूरियत ने स्ट्रक्चर को अपने कंधों पर उठाया। फिर इस तरह हजरत जाबिर की लाश को भी निकाला गया। दोनों लाशों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक के दाढ़ी मुबारक के बाल भी बिल्कुल महफूज थे। लाशों को देखकर ये बिल्कुल भी यकीन तक नहीं आ रहा था कि 1300 साल पहले की लाशें हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि अभी इनको वफात पाए मुश्किल से 2 या 3 घंटे हुए होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों असहाबा ग्राम की आंखें भी खुली हुई थी, देखने वाले उनकी आंखों में आंखें डाल कर देख ना सकें। बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान रह गए।
इस मंजर को देखने के लिए बड़े से बड़ी स्क्रीन्स लगाई गईं ताकि दिक्कत महसूस ना हो और हर कोई बड़ी आसानी के साथ ये सारा मंजर देख सके। देखने वालों में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट भी थे जिनके सामने ये मंजर था कि 1300 साल से भी ज्यादा अरसा पहले दफनाए गए मुबारक जिस्म जिंदा इंसानों से भी ज्यादा तरोताजा नजर आ रहे थे। उन्होंने बे इख्तियार मुफ्ती आजम के हाथ थाम लिए और दरख्वास्त की कि उन्हें मुसलमान किया जाए। इस मौके पर बेशुमार ईसाई और यहूदी भी मुसलमान हुए और कबूल इस्लाम का ये सिलसिला कई साल तक शदो मद से जारी रहा। दजला के किनारे से दोनों सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की कुबूर को हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अनहु के मज़ार के करीब मुंतकिल कर दिया गया जो कि उस वक्त बगदाद शहर से 30 मील के फासले पर वाक़े था। दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत इंसान पर कभी भी जाहिर हो सकती है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से अपने बंदों को बताता है कि वो इस दुनिया में मौजूद है और वही इस दुनिया का हकीकी मालिक है। जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों के मुताबिक चलकर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी दुनिया और आखरत दोनों ही बहुत अच्छी और कामयाब गुजरती हैं। इन दो सहाबा की जब कब्रों को खोदा गया तो ये अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल था कि ये कई साल पुरानी हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनकी 2 से 3 घंटे पहले ही मौत हुई है और ये इसी तरह लग रहा था कि महफूज हैं। अब भी कब्र में उनकी कब्र को वहाँ से निकाला गया कि उनकी लाशों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी कुदरत दिखाता रहता है और अल्लाह ताला की इस कुदरत को देखकर लाखों लोग मुसलमान हुए थे। दोस्तों, इस्लाम की तारीख से इस तरह और भी बहुत ज़्यादा वाकयात मिलते हैं, वो भी हम आपके साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में मदीना मुनवरा के अंदर नहरें खोदने का हुक्म दिया। एक नहर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में निकल रही थी। ला इल्मी में अचानक नहर खोदने वाला औजार आपके कदम मुबारक पर पड़ गया और आपका पाँव कट गया तो उसमें से ताज़ा खून बह निकला, जबकि आपको फौत हुए 40 साल गुजर गए थे। 40 साल बाद वहाँ खुदाई की जा रही थी जिसके दौरान हादसाती तौर पर कदम कट गया और कदम मुबारक अलग हो गया और उसमें खून निकलना शुरू हो गया था। दोस्तों, ये इस बात का सबूत भी है कि शहदान अपनी कब्रों में ज़िंदा रहते हैं और अल्लाह पाक उनको अपनी कब्रों में रिज्क देते हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है। अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह पाक जो भी चाहे कर सकता है, उसको हर चीज़ का इल्म है, उसकी ज़ात सबसे बेहतरीन ज़ात है। मेरे दोस्तों, इसी तरह एक और वाक़या फिर मिलता है कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म मुबारक 2 मरतबा कब्र मुबारक से निकाला गया है। पहली मरतबा 6 माह के बाद निकाला तो उसी हालत में था जिस तरह उन्हें दफन किया गया था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दूसरी मर्तबा 40 बरस के बाद अपने वालिद माजिद यानि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र खोदकर उनके मुकद्दस जिस्म को निकाला तो मैंने उनको उसी हाल में पाया कि अपने ज़ख्म पर हाथ रखे हुए थे। जब उनका हाथ उठाया गया तो ज़ख्म से खून बहने लगा, फिर जब हाथ ज़ख्म पर रखा गया तो खून बंद हो गया और उनका कफन जो एक चादर का था वो बिल्कुल सलामत था। इसी तरह हमने आपको इराक के बादशाह का वाक्या सुनाया है। एक रात हज़रत हुज़ैफ़ा अल-यमनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ऐ बादशाह, कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुझे दजला के किनारे से निकाल कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करो क्योंकि मेरी कब्र में पानी भर चुका है। जबकि अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में भी पानी भर रहा है। शाह फैसल अव्वल अपनी मसरूफियात की वजह से इस बात पर तवज्जो ना दे पाए तो यही ख्वाब अगली रात भी उन्हें नजर आया, मगर वो अपने कामों में मसरूफ रहे। तीसरी रात हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक के मुफ्ती आजम के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि मैं बादशाह को 2 रातों से हमारी मुंतकली का कह रहा हूँ मगर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
आप उन पर जोर दीजिए कि वो हमारी कुबूर मुंतकिल करने के इंतजाम करें। इसके बाद मुफ्ती आजम वजीर आजम और शाह फैसल अव्वल के दरमियान मुलाकात में तय पाया कि मुफ्ती साहब इस बारे में फतवा जारी फरमाएंगे और वजीर आजम प्रेस को बयान जारी करेंगे ताकि अवामुल नास को इसके मुतल्लिक खबर हो जाए। इब्तदाई तौर पर यह फैसला हुआ कि 10 ज़िलहज को कुबूर मुबारका की मुंतकली का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया जाएगा, मगर हुजाज किराम की दरख्वास्त पर तारीख 20 ज़िलहज मुकर्रर की गई ताकि हज से फारिग होने वाले भी इस अहम मौके पर पहुँच सकें। फिर वो दिन भी आन पहुंचा कि बगदाद शहर की गलियां लोगों से भर गईं और दूरों नज़दीक से आने वाले मुंतजर थे कि कब ये मुबारक फरीजा सरंजाम दिया जाएगा। बाद इस नमाज ज़ुहर हजारों लोगों की मौजूदगी में दोनों सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम की कुबूर मुबारक को खोला गया तो वाकई उनमें पानी भर चुका था। लेकिन हर देखने वाले ने देखा कि इन मुकद्दस हस्तियों के मुबारक जिस्म ऐसे तरोताज़ा थे जैसे अभी चंद लम्हे पहले ही सोए हों और फिजा नहायत खुशकुन खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। इस मौके पर हर आंख फर्त जज्बात से अश्कबार थी और देखने वाले हैरत से दम बखुद थे। ये अल्लाह पाक की कुदरत थी। अल्लाह पाक मुख्तलिफ वाक़ियात के ज़रिए अपने बंदों को अपनी कुदरत दिखाता रहता है, मगर बंदा ही ये बात नहीं समझता कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है। उसने हम सबको पैदा किया है, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया एक आर्जी रिहायशगाह है, इसने एक दिन ख़त्म होना है और हमें अपनी हकीकी दुनिया की जानिब जाना है। इस दुनिया में हम जो करेंगे उसके बदले ही हमें मिलेगा, यानी इस दुनिया में अगर हमने अच्छे अमाल किए हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें अजर व सवाब देंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारे लिए हकीकी दुनिया में बहुत ही सख्त अजाब है। बस हमें अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने की ज़रूरत है, उससे सबक सीखने की ज़रूरत है और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम की तालीमात पर चलने की हिदायत दें, हमें इस पर अमल करने का एक वसीला बनाए, हमारे लिए चीज़ें आसान करे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमें उनकी ज़िंदगी के उसूलों के मुताबिक चलकर रहना चाहिए, इसमें हमारी दुनिया और आखरत दोनों की कामयाबी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक मालूमाती वीडियो है। हमें ये बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करें। आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।